हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हम चैप्टर डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन AIPMT 88 में आया था। इस क्वेश्चन में हमें करंट कैरिंग कॉइल दी गई है जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया और हमसे पूछा है कि कॉइल किस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगी, किस डायरेक्शन में अपने आप को ओरियंट कर लेगी। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन के पीछे कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उसको लगता है टॉर्क, है ना। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BINA sin थीटा या फिर NIAB sin थीटा या फिर MB sin थीटा। अब थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो टॉर्क 0 होगा और थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो भी टॉर्क 0 होगा। अगर थीटा 0 डिग्री है तो हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और जब थीटा 180 डिग्री होगा तब हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। दुनिया में हर चीज की टेंडेंसी है स्टेबिलिटी अचीव करना, अपने आप को स्टेबल कर लेना, अपनी एनर्जी मिनिमाइज कर लेना। तो स्टेबल करने के लिए अपने आप को कॉइल स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगी और 0 डिग्री का एंगल डेवलप करने की कोशिश करेगी। यानी कि अब ये 0 डिग्री का एंगल तो बनेगा, लेकिन ये एंगल किस किस के बीच में, ये भी समझने वाली बात है। टॉर्क का जो फॉर्मूला है MB sin थीटा या फिर NIAB sin थीटा, तो ये जो थीटा एंगल है ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि जो एंगल आप देखते हैं ये कॉइल के प्लेन का एंगल नहीं होता, ये कॉइल के नॉर्मल का एंगल होता है। तो कॉइल का नॉर्मल अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश करेगा या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होने की कोशिश करेगा। अब कॉइल का नॉर्मल जब 0 डिग्री का एंगल बनाएगा तो कॉइल का प्लेन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि कॉइल के प्लेन की टेंडेंसी होगी कि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए। इस हिसाब से डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी टॉर्क निकालने का कोई न्यूमेरिकल आपके पास आता है तो आप ध्यान दीजिए एंगल जो हमें चाहिए वो कॉइल के प्लेन का नहीं चाहिए, कॉइल के नॉर्मल का चाहिए। प्लेन और नॉर्मल में फर्क है, प्लेन और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा तो कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये AIPMT 89 में आया हुआ, इसमें हमसे पूछा है करंट कैरिंग कॉइल में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो करंट कैरिंग कॉइल में एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। ध्यान रखिएगा दोनों रिलेटेड हैं। कई बार कैपेसिटर का पूछा जाता है तो कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होगी और कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होगी। एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल का फॉर्मूला भी याद कर लीजिए आप, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल हाफ LI2। एल यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस होता है और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी इसी के साथ याद कर लीजिए। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला स्मॉल यू से नोट करते हैं, ये होता है B2/2μ0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन AIPMT 90 में आया हुआ, इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन की बात कही पॉइंट पी पे जो कि 4 सेंटीमीटर दूर है एक लॉन्ग वायर से, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर से। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना है, कितना 10 की पावर -3 टेस्ला, 12 सेंटीमीटर पे कितना हो जाएगा। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं स्टूडेंट्स को, वो बता दूं मैं आपको। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन बहुत से बच्चों को नहीं पता होता तो बता दूं, मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा मिलता है क्वेश्चंस में, कई जगह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लिखा मिलता है या कई जगह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा मिलता है। तो एक ही चीज है स्टूडेंट्स, पर
परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक ही चीज है, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अब कहा लॉन्ग करंट क्या रिक्वायर, तो लॉन्ग से मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लेंथ का वायर। तो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ये होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। तो यहां हमें ये समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, यहां पहले जो डिस्टेंस दिया था वो था 4 सेंटीमीटर फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में इसकी वैल्यू कर दी 12 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर से वैल्यू 12 सेंटीमीटर कर दी, यानी कि 3 टाइम्स कर दी, 3 गुना कर दी। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, जब डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड 1/3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि नया वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पुराने वाले का 1/3 टाइम्स होगा, यानी कि 1/3 × 10⁻³ टेस्ला 0.33 × 10⁻³ टेस्ला या 3.3 × 10⁻⁴ टेस्ला। This is the answer. So first option is the right answer. Next question, ये AIPMT 91 में पूछा गया। इसमें हमें एक ड्यूट्रॉन दिया गया है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है 0.5 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा है। सेकंड सिचुएशन में एक प्रोटॉन दे दिया गया, उसका भी रेडियस सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, B² Q² R² / 2m। अच्छा, पहले केस में है ड्यूट्रॉन 1H2, ये ड्यूट्रॉन। दूसरे केस में है प्रोटॉन 1H1। अच्छा, नीचे होता है चार्ज या एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है मास नंबर। तो हमें देख के समझ में आ रहा है कि चार्ज तो दोनों का सेम है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेम वैल्यू का चार्ज होता है ना, दोनों का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन मास का फर्क होता है, न्यूट्रॉन का डबल मास होता है प्रोटॉन का। ऐसे कह सकते हैं प्रोटॉन का जो मास होता है वो न्यूट्रॉन का आधा होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चार्ज सेम है, रेडियस भी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ मास पे, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ मास पे डिपेंड करेगी, और ये हमारा फर्स्ट केस, ये हमारा सेकंड केस। सेकंड केस में मास आधा हो गया, मास आधा हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 2 टाइम्स होगी पहले वाले केस की, यानी कि 2 × 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 91 में पूछा गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है राइट एंगल पे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है वो है 2 सेंटीमीटर। अगर स्पीड डबल कर दी जाए तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये पूछा गया। तो रेडियस का फॉर्मूला mv/bq, स्पीड को डबल कर दिया तो रेडियस भी डबल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि फाइनल रेडियस पहले वाले का 2 टाइम्स हो जाएगा। पहले 2 सेंटीमीटर था तो अब 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 92 में पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड है
आर डिस्टेंस पे करंट कैरिंग वायर की वजह से, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर यानी कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला है, तो 2 आर डिस्टेंस पे कितना होगा? फिर वही बात, फॉर्मूला तो हम बता चुके, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, अब डिस्टेंस कर दिया डबल, आर से 2 आर कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? आधा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, यानी के हाफ ऑफ बी, यानी के हाफ ऑफ 0.4 टेस्ला, यानी के 0.2 टेस्ला। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 92 में पूछा गया, स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ हमें दे दी गई 0.5 मीटर, करंट 1.2 एम्पीयर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 टेस्ला, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा है, फोर्स कितनी होगी ये पूछा है, तो फोर्स का फॉर्मूला IL×B, जिसको हम लिख देते हैं ILB sin थीटा, या बच्चे इसको याद कर लेते हैं BIL sin थीटा, बिल साइन थीटा के नाम से। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर था, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, करंट 1.2, लेंथ 0.5, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो सॉल्व होके आ गया 1.2 न्यूटन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? तो स्टूडेंट्स याद कर लीजिए, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ए स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस is connected in parallel, जिसको हम शंट कहते हैं, है ना? और शंट का फॉर्मूला होता है IGRG upon I-IG। तो आंसर हो गया इसका लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वोल्टमीटर बनाना होता तो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया जाता, क्योंकि एमीटर बनाना है तो स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 93 का, कॉइल कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कॉइल को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? तो उस पर टॉर्क लगेगा। सिंपल, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है कि जब करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क लगता है और वो घूमना शुरू कर देती है, मोटर का प्रिंसिपल बन जाता है, और जब हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाना शुरू कर दे तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जनरेटर का प्रिंसिपल बन जाता है, तो करंट ऑलरेडी है तो ये घूमना शुरू कर देगी, इस पर टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 93 में, चार्ज पार्टिकल है, बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो चार्ज पे क्या असर पड़ेगा? डायग्रामेटिकली समझते हैं, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इधर पार्टिकल मूव कर रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, तो ऑब्वियस है दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा, यहाँ पे हो गया 180, तो QVB sin 180 डिग्री, साइन 180 की वैल्यू 0, तो फोर्स हो गई 0, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगेगी इसलिए पार्टिकल अनएफेक्टेड रहेगा, पार्टिकल विल रिमेन अनएफेक्टेड। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 94, सर्कुलर लूप है जिसका एरिया दिया गया है 0.01 मीटर स्क्वायर, करंट दिया गया है 10 एम्पीयर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.1 टेस्ला, टॉर्क कितना लगेगा ये हमें बताना है। अच्छा जी, अब इसमें फिर ध्यान देने वाली बात, कॉइल का लूप, कुछ सर्कुलर लूप है या कॉइल है
वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी के प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉइल का नॉर्मल जो है, नॉर्मल ऑफ कॉइल, ये तो पैरेलल हो गया ना मैग्नेटिक फील्ड के, और हमें तो इसी के एंगल से, ये तो थीटा जीरो डिग्री हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला बिना साइन थीटा है ना, साइन जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, तो टॉर्क जीरो, क्योंकि कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर है तो कॉइल का नॉर्मल पैरेलल हो गया, एंगल जीरो डिग्री, और जीरो डिग्री पे लगने वाला टॉर्क भी जीरो। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 96। एक इलेक्ट्रॉन बीम है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है ऐसे रीजन में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें बतानी है। तो ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करने का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो का मतलब नेट फोर्स जीरो है, यानी के जब ये ऐसे रीजन में इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल कर रही है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ फोर्स लगनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी कुछ फोर्स लगनी चाहिए, लेकिन नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर ले रही है। तो जब नेट फोर्स जीरो हो गए, इसलिए एक्सीलरेशन जीरो और वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ही ट्रेवल करता रहेगा। तो कंक्लूजन ये है, नेट फोर्स जीरो का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू हुई, मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी, दोनों कैंसिल हो गई, तो वेलोसिटी आ गई, ई और बी के रेशियो पे डिपेंड कर जाएगी। आगे से ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल ऐसी जगह ट्रेवल कर रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है और उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स ने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स को कैंसिल आउट कर दिया है। वेलोसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो से मिलेगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया गया 20 वोल्ट पर मीटर और मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 96 में आया हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन बीम है या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें दे दी गई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, यानी कि 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। बता दूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन एक बार, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। तो आगे से कभी आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हो और आपको जूल में कन्वर्ट करना हो तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब पूछ रहे हैं रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड में दे दिया गया 10⁻⁴ टेस्ला या 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर कहिए या टेस्ला कहिए, एक ही चीज है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, एक ही चीज है। अच्छा, अब रेडियस की बात कर रहे हैं, तो रेडियस के लिए फॉर्मूला अभी बताया मैंने MV/BQ, और भी फॉर्मूले हैं तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एमवी को मैं पी लिख सकता हूँ मोमेंटम, तो P/BQ बीसी का फॉर्मूला है, और पी की जगह मैं लिख सकता हूँ 2mke, के इज द काइनेटिक एनर्जी, √2mke/BQ। ये रिलेशन आप याद कर लीजिएगा कि पी जो होता है वो √2mke के इक्वल होता है। अच्छा, तो हमें फॉर्मूला मिल गया। अब 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹ kg, काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 10 × 1.6 × 10⁻¹⁹, ये, और डिनोमिनेटर में वैल्यूज है, ये अंडर रूट में है, न्यूमरेटर जो है हमारा ये अंडर रूट में है,
और डिनोमिनेटर में मैग्नेटिक फील्ड 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर माइनस 19, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 10.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर आएगा, यानी कि लगभग 10.6 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेशन में आप लिख सकते हैं 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक करें, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन AIPMT 96 में आया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बताना है स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। ये बायो सेवर्ट लॉ पूछा गया इनडायरेक्टली, बायो और सेवर्ट दो फिजिसिस्ट थे जिन्होंने मिलकर लॉ दिया था बायो सेवर्ट लॉ। ये किसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा करंट के, करंट पर डिपेंड करता है। ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एलिमेंट की लेंथ पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और साथ में नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ एलिमेंट। जिसको हम दिखाते हैं आई डीएल क्रॉस आर से, इस तरह से एक क्रॉस जो है ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर। जब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, और आर कैप को मैं लिख सकता हूं वेक्टर आर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर आर, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, डिनोमिनेटर में आर क्यूब। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ज्यादा क्वेश्चन कराने से वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं बन पाता, इसलिए मैं वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बना रहा हूँ, है ना। आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।